नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर उदरमोहन और मैं हूँ आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ जानल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कैंसर या ओरल कैंसर की TNM स्टेजिंग के बारे में। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा सा गंभीर भी है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के मैसेज आते हैं जहाँ पे जो है उनकी जो है जो भी कैंसर का डायग्नोसिस हो रखा होता है, स्पेशली ओरल कैंसर का, और उनको कन्फ्यूजन होता है कि वो किस स्टेज पे है या कौन सी तीव्रता का कैंसर है। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत लंबी है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप उससे जो है घबरा ना जाए और आपको कुछ गलत अंदेशा ना लगे। तो मैं आपको एक वार्निंग और एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप इसकी इंटरप्रिटेशन मत करिए, लेकिन एट अ ग्लांस मैं आपको जो बता सकता हूँ वो मैं बताना चाहूँगा। TNM स्टेजिंग का मतलब क्या होता है? ट्यूमर नोड्स या नोडल इन्वॉल्वमेंट और मेटास्टेसिस। तो जब भी कैंसर अनफॉर्चुनेटली जो है आपके बदन में या ओरल कैंसर आपके मुंह में शुरू होता है, उसके स्टेजिंग में जो है एक तो ट्यूमर की प्रॉब्लम होती है, ऑन टॉप ऑफ दैट वो फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो फैलने का तरीका होता है वो होता है लिम्फैटिक स्प्रेड का। तो ये कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, लिम्फ नोड्स जिनको हम बोलते हैं, जो गांठें होती हैं ये हार्ड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स, और इसी के थ्रू ये फैलता है और अलग अलग जगह ये फैल सकता है। तो जिसको अगर ये फैलना शुरू करता है तो उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, यानी कि एक जगह आपका ट्यूमर है, उसके बाद जो है वो फैलना शुरू करेगा तो वो आपकी जो लिम्फ की जो ग्रंथियाँ हैं उसमें जाके जो है बसेगा और वो हार्ड होंगे, उसके बाद आगे जाके स्प्रेड होकर दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर हम एट अ ग्लांस बात करें, TNM स्टेजिंग जो है 1969 से लेकर अभी तक 2017 तक आई थिंक कम से कम 8 क्लासिफिकेशन आ चुके हैं, जिसमें AJCC जो AJCC क्लासिफिकेशन है वो अभी जो है सबसे ज़्यादा प्रमाणित है। तो ट्यूमर नोडल इन्वॉल्वमेंट या नोड्स और मेटास्टेसिस उसको बोलते हैं, ये TNM स्टेजिंग होती है, जिसमें हम बात करते हैं पहले टी एस्पेक्ट की, यानी कि ट्यूमर एस्पेक्ट की। जो T0 होता है इसका मतलब है वहाँ पे कोई भी जो है एक तरीके का ट्यूमर डिटेक्ट नहीं किया है, नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। TX का मतलब ये है कि हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट्स, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि अगर उसकी प्रेजेंस हो या ना हो, बट हमारे पास इतने सक्षम टूल्स नहीं है या इतने जो है फीचर्स नहीं है जिसकी वजह से हम बता पाएं कि वहाँ ट्यूमर है कि नहीं, तो उसको हम TX बोलते हैं। TIS यानी कि ट्यूमर इन सीटू या कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब है कि वहाँ पे कैंसर ही पनप रहा है। अब नॉर्मल सेल्स वहाँ पे पनप रहे हैं, हो सकता है वो आगे बढ़े हों या ना बढ़े हों, लेकिन वहाँ के जो सेल्स हैं वो काफ़ी तीव्र गति से जो है फैल रहे हैं और कोशिश जो अग्रेसिव उनका नेचर है, और उसके बेसिस पे जो साइज के बेसिस पे होता है वो होता है T1, T2, T3, T4, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में T1, T2, T3, T4 में जाता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स कि वो जो है एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स को कैसे पेनिट्रेट कर लेता है। इसके डिटेल्स में आपको नहीं जाना है। अब बात करते हैं नोडल इन्वॉल्वमेंट की। जैसे मैंने बताया कि लिम्फ नोड्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर स्प्रेड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और लिम्फ नोड जब हार्ड हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, और उसके साइज के डिपेंडिंग अपॉन हम जो है बात करते हैं नोडल इन्वॉल्वमेंट की। तो NX का मतलब है कि रीजनल नोड कैन नॉट बी असेस्ड, यानी कि हमें जो है वहाँ पे हम उसका पता नहीं कर पा रहे हैं। N0 का मतलब है कि वहाँ पे जो है एविडेंस नहीं है किसी भी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट की, और N1, N2, N3 जो है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी स्टेज का नोड है, कौन सी साइड का है, कितना है, साइज के बेसिस पे इंक्रीज करता है और बहुत सारे उसमें इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं, तो वो होता है आपका N1, N2, N3। जैसे मैंने आपको बताया कि N0 से लेकर N3 तक जो है तीव्रता बढ़ती है, नंबर बढ़ता है, साइज बढ़ता है, एंड फाइनली यू हैव M विच इज़ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब है कि आपका कैंसर कहाँ कहाँ फैल चुका है, और अगर MX है तो ऑब्वियसली हम असेस नहीं कर पा रहे हैं कि वो फैला है कि नहीं फैला है। M0 का मतलब है कि जो है वहाँ पे जो है कोई मेटास्टेसिस नहीं है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं है, और M1 का मतलब है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन के बाद जो है आपका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, और उसके बेसिक टाइप्स के जो है डिजीजेस होते हैं कैंसर के, और ये तीव्रता में बढ़ते जाते हैं। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन लगते हैं जो आपको नहीं फाइंड आउट करने हैं, वो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट जो है आपको बता देंगे कि कौन सी स्टेज का कैंसर है और किस लेवल पे जो है आपको ट्रीटमेंट कराना है, क्योंकि स्टेज 4 जो होती है वो काफ़ी एडवांस डिजीज़ होती है, जिसमें हम बोलते हैं लोकली रिसेक्टेबल डिजीज़, यानी कि कैंसर को हम निकाल सकते हैं, और एक होता है लोकली अनरिसेक्टेबल डिजीज़, यानी कि हम उसको निकाल नहीं सकते, वो काफ़ी हद तक फैल गया, विच मीन्स द अनफॉर्चुनेट थिंग।
पर बहरहाल आपको ये ज़रूरी है जानना कि अगर आप ये स्टेज पता करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अपने ऑन्कोलॉजी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसी बेसिस पे जो है आपका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है कि ट्यूमर का साइज़ कितना है, लोकेशन कहाँ है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कितना है, कितना फैल गया है। उसी बेसिस पे डिपेंड करता है कि सर्जरी का एक्सटेंट कितना होगा, कीमोथेरेपी का कितना एक्सटेंट होगा, रेडियोथेरेपी का कितना एक्सटेंट होगा और रिहैबिलिटेशन के लिए क्या स्कोप है एंड प्रोग्नोसिस, यानी कि आपका जो है कैंसर के इलाज का जो निर्णय निकलेगा, जो आपका पूरा निष्कर्ष निकलेगा कि आपकी हेल्थ और जान कैसे ठीक होगी, वट एवर इट इज़, वो जो है ये स्टेजिंग बता सकती है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए। और आप मेरे को जब मैसेज डालते हैं अपना नाम स्थान मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए प्लीज़ मुझे मैसेज करिए और 2-3 दिन वेट करिए। और प्लीज़ डायरेक्टली फ़ोटो मत भेज दीजिए कि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ कि मैं आपकी जो है मौखिक स्वास्थ्य त्वचा को देख के ही या कुछ भी चीज़ देख के सीधा डायग्नोसिस पे आ जाऊँगा। थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर मैं सही टाइम पे आपको जवाब नहीं दे पाता हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बट मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा जो है यू नो इस मामले में पेशेंट रहिए। मैं जवाब ज़रूर देता हूँ बट थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन, इनसाइट्स या सजेशंस हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।